हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल। इट्स मी अंकु। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि एक बार और आपसे मिल रहा हूं मैं। तो आज हम बात कर लेते हैं एक और जरूरी चीज की जो हमारे लैपटॉप का पल पल साथ निभाता है। इनिशियली हम लैपटॉप पे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, हमें अच्छा ब्रांड चाहिए, विंडोज का वर्जन भी हम ध्यान रखते हैं, भाई सबसे लेटेस्ट चाहिए ना, तो पैसे भी फिर लेटेस्ट ही लगते हैं। तो बात चल रही थी हम लैपटॉप पे इतने पैसे लगा देते हैं तो उसकी केयर पे भी कुछ और खर्चा करना चाहिए। तो ये लैपटॉप है मेरा 14 इंचेस का, बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी मच हैप्पी, पर मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इसकी रख रखाव को लेके। एक लैपटॉप कूलिंग पैड जो है हमारे लैपटॉप की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इनफैक्ट दुगने से भी ज़्यादा कर देता है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ यूजेज में कुछ ऐसी लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से लेने के देने भी बढ़ जाते हैं। चलिए, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। कभी कभी तो हम बिस्तर पे भी रख देते हैं, ब्लैंकेट पे रख देते हैं, ऑन होता है ये, तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे फैन होता है अंदर, जिससे इसकी हीट बाहर जाती रहती है, वो रुक जाती है, तो प्रॉब्लम की बात तो है भाई, पर हमें ध्यान ही नहीं रहता है। तो कूलिंग पैड इनिशियली इसी पर्पस को देखकर बनाया गया है कि भाई ऐसी मुश्किलें ना पड़े। आप देखेंगे कि इसमें पूरा ये जगह है जहाँ से लैपटॉप की हीट जो है जाती रहे, और एक अंदर फैन भी दिया गया है जिसको हम लैपटॉप पे लगा के, ये फैन जो है लैपटॉप से ही ऑपरेट होता है, ये इसका यूएसबी केबल है। अगर आप चाहें तो इसमें बटन भी होता है, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं फैन को। इसको मैंने कूलिंग पैड पे रख दिया है ना, और सिंपली आउच ये देखिए कनेक्ट कर दिया। तो बिस्तर में दुपट्टे भी काम कर सकता हूँ इसका, मेरे लैपटॉप के अंदर जो फैन है वो भी, उस पर भी जोर नहीं पड़ेगा बेचारे पे, सीपीयू आराम से काम करता रहेगा, और इनफैक्ट इसे गर्मियाँ हैं तो एक एक्स्ट्रा फैन की भी सपोर्ट मिल जाती है। तो दिस इज वॉट इट इज, कहने को तो एक ये बहुत छोटी सी चीज है, पर बहुत जरूरी है हमारे लैपटॉप्स के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। लैपटॉप कूलिंग फैंस याद रखना, ले लीजिएगा किसी भी कंपनी का, बस फीचर्स अच्छे होने चाहिए, लैपटॉप के साइज का होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू सो मच, बाय, पीस आउट।